Hey guys, this is Karishma Chauhan and welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा delicious और बहुत कम समय में रेडी हो जाने वाला केक की रेसिपी लाई हूँ. तो आज मैं आपको यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्कुट का केक बनाना बताऊँगी. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे केक बनाने के लिए 3 पैकेट के करीब मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है. तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए का एक बिस्किट लिया है. तो सबसे पहले हम हमारे जितने भी बिस्किट के पैकेट हैं उन सबको बाउल में निकालते समय मैं बिस्किट के टुकड़े कर लूँगी ताकि जब हम इसका पाउडर बनाए तो हमें पाउडर बनाने में आसानी रहे. तो अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे बिस्किट को तोड़ लिया है. तो सबसे पहले हम हमारे इन बिस्किट को मिक्सी के जार में डाल देते हैं. ये सारे के सारे बिस्किट एक साथ मिक्सी के जार में नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आधे बिस्किट एक बार में डाल रही हूँ. एक बार पाउडर बनाने के बाद हम आधे बिस्किट का पाउडर बाद में और बना लेंगे. तो अब मैं यहाँ पे 1 कप के करीब इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ. 1 बेंच में शुगर ऐड कर देंगे, दूसरे बेंच में हमें करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब हम इसका पाउडर बन चुका है और आप देख सकते हैं. तो अब हम हमारे इस पाउडर को दूसरे बाउल में निकाल देते हैं. क्योंकि मैरीगोल्ड बिस्कुट हल्के से फीके होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ये इतनी शुगर ऐड किया इसमें. तो अब हमारे बाकी के बिस्कुट का भी हम पाउडर बना लेंगे. हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले बैच में हमने शुगर ऐड कर दी थी. तो अब मैंने यहाँ पे सेकेंड बिस्कुट के बैच का भी पाउडर बना लिया है. यहाँ पे फाइन पाउडर आप देख सकते हैं. तो अब हम इस बाउल में हमारा जो बिस्किट का पाउडर है वो ऐड कर देते हैं. तो अब हम इसे सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि 1 बेंच में हमने शुगर डाली थी तो सारा का सारा पाउडर यहाँ पर मीठा हो जाए, इसलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी. तो अब हमारा यहाँ पे ये मिक्स हो गया है और मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब गुनगुना दूध लिया है. दूध लेने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे. आपको ध्यान रखना है कि आपको मिश्रण ऐसा बनाना है जिसमें एक भी लम्स यानी गुठली ना रहे. तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा दूध डाल दिया, आप देख ही सकते हैं. आपको यहाँ पे घोल को ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा गीला. आपको एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है केक बनाने के लिए. तो अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी. तो हमने 1 कप तो दूध डाल दिया लेकिन अभी भी हमारा ये जो घोल है वो गाढ़ा है, इसलिए मैं इसमें 1 कप के करीब दूध और डालूंगी. तो अब हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा जो केक का बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बने. तो अब हम इसमें तब तक थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तब तक हमारा बैटर एकदम केक के लिए परफेक्ट ना बन जाए. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक का बैटर है एकदम परफेक्ट बन चुका है. तो हमारे 2 कप दूध में से थोड़ा सा दूध अभी बाकी है, इतना दूध मैंने यूज़ किया है. तो आपको भी इसी तरह का बैटर बनाना है. तो अब हम हमारा कुकर तैयार कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे अपने कुकर में आज केक बनाऊँगी इसलिए मैं इसमें 1 कप के करीब नमक डाल रही हूँ. और नमक डालने के बाद मैं जो इस कुकर का ढक्कन है उस ढक्कन की विसल और रिंग यहाँ पे हटा दूंगी क्योंकि बिना विसल और बिना रिंग के हमें यहाँ पे कुकर को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है. कुकर प्री हीट हो रहा है तब तक हम हमारा केक का बर्तन तैयार कर लेते हैं. तो मैं आज केक इसमें बनाऊंगी. तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल अप्लाई कर दिया है. तो अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर रही हूँ. अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मेरी तरह 1 चम्मच के करीब मैदा इसमें डालें और बर्तन के चारों तरफ अच्छे से मैदा अप्लाई कर दें और जो एक्स्ट्रा मैदा बचे उसे आप निकाल दें. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है. तो अब हम हमारे बैटर में इनो ऐड करेंगे. तो इनो आपको पहले नहीं डालना, मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लेवर वाला इनो लिया है, आप दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं. तो अब हम हमारा सारा का सारा इनो इसमें ऐड कर देंगे और इनो को एक्टिव करने के लिए थोड़ी सी ड्रॉप्स हम दूध की डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आपको मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इनो डालने के बाद आपको जो केक का बैटर है उसको एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में घुमाना है. आपको दिशा नहीं बदलनी. आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर एक ही दिशा में घुमा रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है. तो अब हम हमारे बैटर को हमारे केक के बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हम केक बनाएंगे. तो केक का बैटर डालने के बाद हम 2 से 3 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई बबल्स हो तो वो अंदर ही ख़त्म हो जाएं. तो अब हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया है. तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इसमें स्टैंड ऐड करेंगे. आप देख सकते हैं इस तरह का स्टैंड है मेरे पास. अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल कटोरी को भी उल्टा रख कर ऐड कर सकते हैं.
तो अब हम हमारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने कुकर में बैटर ऐड कर दिया है, तो अब हम इसके ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन भी आपको बिना विसल और रिंग के लगाना है। और आप तो केक बनने का जो टाइम है वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं बता सकती, पर आप 2 से 3 बार इसे ओपन करके देख लिए। मेरे केक को यहाँ पे बनने में प्रॉपर 35 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसमें क्लीन नाइफ डाल के देख लेते हैं। तो हमारा नाइफ यहाँ पे क्लीन बाहर आ रहा है, मतलब हमारा केक यहाँ पे बेक हो चुका है। तो बस अब हम इसे कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे केक को कुकर से बाहर निकाल लिया। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को चाकू की मदद से छुड़ा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके किनारों को छुड़ा लिया है यहाँ पे। तो अब हम हमारे केक को बाहर निकाल लेते हैं। हम केक के ऊपर एक प्लेट को उल्टी करके रखते हैं, तो और केक को उल्टा करके 2 से 3 बार टैप करते हैं। और टैप करने के बाद हम हमारे केक को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़्यादा डिलीशियस, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ये जितना ज़्यादा डिलीशियस दिखने में लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में है। तो अब हम हमारे केक को कट कर लेते हैं। और ये कितनी आसानी से कट हो रहा है आप देख ही सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ से भी हम हमारे केक को अच्छे से कट कर लेते हैं। और आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा चौड़ाई है हमारे केक की यहाँ पे। तो अब हम हमारे इस पीस को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़्यादा स्मूद और सॉफ्ट बना है। तो आप ये केक बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव करिश्मा चौहान के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू।